बीजेपी नेता ने प्रियंका गांधी को भेजा ट्रेन का टिकट, तुरंत बुलाया जयपुर, पार्टी में मचा बवाल। भाजपा के राज्य सचिव और पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोथवाल ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को ट्रेन का टिकट भेजा है और उनके अभियान लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की याद दिलाते हुए उन्हें जल्द से जल्द राजस्थान का दौरा करने के लिए कहा है। कांग्रेस विधायक के बेटे और उसके चार दोस्तों ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया था। प्रियंका की चुप्पी पर भाजपा नेता ने एक बार फिर से तंज कसा है। आपने राजस्थान की करोड़ों महिलाओं को निराश किया प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस के विधायक पुत्र ने बलात्कार किया। इस घटना पर आपकी प्रतिक्रिया जानने के लिए मैंने आपको जयपुर बुलाने के लिए रेल टिकट तक करवाई पर आप नहीं आई। आपने राजस्थान की घटनाओं पर शर्मनाक चुप्पी क्यों धारण कर रखी है? गोथवाल ने अपने ट्वीट में प्रियंका को भी टैग करते हुए लिखा कि राजस्थान में कांग्रेस विधायक के बेटे ने एक नाबालिग के साथ रेप किया है। नाबालिग लड़की आपके विधायक की बाहुबल के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं है। उन्होंने आगे लिखा, प्रियंका गांधी जी मैं आपके लिए ट्रेन का टिकट भेज रहा हूँ, तुरंत जयपुर आइए क्योंकि राजस्थान में भी लड़कियां हैं, वे लड़ नहीं पा रही हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर दिल्ली से जयपुर का रेल टिकट भी साझा किया था। उन्होंने यह टिकट प्रियंका गांधी के नाम से बुक कराया है जो 28 मार्च के लिए कंफर्म है। बता दें कि नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कांग्रेस विधायक के बेटे समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता के चाचा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी 15.5 साल की भतीजी जो 10वीं कक्षा की छात्र है, उसने सोशल मीडिया पर आरोपी विवेक शर्मा से दोस्ती की थी। पिछले साल 24 फरवरी को शराब का नशा कर विवेक उसे एक होटल में ले गया।